ये वाला तो काफी ज्यादा छोटा है, और ये हिप्पो ने क्या गंद मचा रखे है यहाँ, क्या पिचकारियां चला रहा है ये। पानी जो है इस लेवल तक कर लेता हूँ, इतना काफी है, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। अपना डेजर्ट वाला जू पूरा सेटअप हो चुका है और अब प्रॉफिट में भी आ चुका है, और मेरे पास अभी जो है 70,000 के आसपास डॉलर होने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ नया सेटअप कर दिया है, और यहाँ पे मैंने पानी की काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं, जैसे मैंने पानी का यहाँ पे बनाया है, और इसमें यहाँ पे अंदर वाटर रिलीज भी लगा दिए हैं, यहाँ पे पूरा बैठने का बना दिया है। तो ये मैंने एक नया हैबिटेट बनाया है, यहाँ मैं चीता या लाइन वगैरह कुछ लाने वाला हूँ, और इस हैबिटेट के पास अच्छी खासी बैठने की जगह है, पानी वगैरह सब कुछ है। और यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रिक फेंसेस भी अनलॉक हो गई थी, तो ये मैंने लगा दिया है। यहाँ पे छोटी सी केव बनाई है दो, ये अंदर रुकने के लिए है। यहाँ पे अपना लायन या चीता जो भी इसके अंदर आएगा या फिर टाइगर लेके आऊँगा, वो यहाँ पे अंदर रुक सकते हैं, और दो या तीन तो आराम से इजीली इसमें आ जाएंगे। और एक बार मैं ऊपर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने चेंजेस कर दिए हैं, तब जाके जू जो है प्रॉफिटेबल हुआ है। तो एक बार इनिशियली तो प्रॉफिटेबल हो गया है, अब इजीली सेटअप हो जाएगा। और यहाँ पे जो है मैंने इन एनिमल्स के हिसाब से इनके हैबिटेट में घास वगैरह लगा दिया है, जैसे किसी एनिमल को यहाँ पे मिट्टी चाहिए, घास चाहिए या बड़े वाली घास चाहिए, जैसे यहाँ पे वैसे सारे हैबिटेट्स में कोई ना कोई एनिमल है। इधर यहाँ पे मैं दो अमेरिकन बाइसन ले आया हूँ, ये रहे अमेरिकन बाइसन, और इसके साथ वाले में भी बफेलो थी शायद, पता नहीं कहाँ पे, उसके लिए मैं छोटा सा पानी का ही बनाया था क्योंकि पानी चाहिए होता है। इधर ऑस्ट्रिच है, यहाँ पे वॉर्थॉक्स हैं, इस वाले में जैबरा है यहाँ पे सेकंड नंबर में, और जैबराज के लिए मैंने जो है अंदर यहाँ पे ये थोड़ा सा पत्थरों वाली केव सी बना दी है, इसके अंदर बढ़िया एकदम रुकने का इंतजाम है, छोटे मोटे ट्रीज भी लगे हुए हैं। साथ में यहाँ पे जो है फ्लैमिंगोस ले आया हूँ मैं काफ़ी सारे नए, और फ्लैमिंगोस का पानी जो है काफ़ी ज़्यादा गंदा और था, इसके लिए मैंने यहाँ पे जो है वाटर फिल्ट्रेशन का भी लगा दिया है। ये रहा वाटर फिल्ट्रेशन का, यहाँ पे पानी इसके अंदर फिल्टर होके जा रहा है तो पानी साफ रहता है। और अपने स्टाफ के लिए मैंने काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे बना दी हैं, ये स्टाफ रूम है, इधर ये जो है कीपर हट है। तो यहाँ पे इन वाले हैबिटेट्स के पीछे रास्ता जाके मैंने काफ़ी सारी स्टाफ की फैसिलिटीज़ लगा दी और हैबिटेट के पास लगाई हैं, जिससे कि जो है हैबिटेट के पास जल्दी से कीपर या केयर टेकर पहुँच के काम कर सके। और यहाँ पे मैं आर्थवर्क वैसे दो लेके आया था, अब चार हो गए, एक तो ये छोटा ही है काफ़ी ज़्यादा, बहुत छोटा है ये तो सही है, इनकी तो पॉपुलेशन बढ़ रही है यहाँ पे। और ये वाले टेम्प्रेरी हैबिटेट है, बाद में इन्हें बड़ा बनाऊंगा, और छोटे मैंने इसलिए बनाए थे कि हैबिटेट के हिसाब से टैक्स लगता है, और उस टैक्स से जो है अपना जू लॉस में भी जा सकता है। तो जब अच्छा खासा प्रॉफिट होकर अच्छा खासे गेस्ट वगैरह आने लग जाएंगे तब मैं बड़ा हैबिटेट बना दूंगा, क्योंकि तब बड़ा प्रॉफिट हो रहा होगा तो आराम से इजीली ज़्यादा टैक्सेस पे कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ के लिए जो है अभी पहले एक बार टाइगर या चीता वगैरह कुछ देख लूँ, और मैंने उसके अलावा यहाँ पे जो है ग्रिजली बैर भी ले आया हूँ, ये रहे ग्रिजली बैर। और इन ग्रिजली बैर्स की पॉपुलेशन तो काफ़ी जल्दी बढ़ती है, यहाँ पे दो छोटे ग्रिजली बैर्स भी हो रखे हैं, और इनके लिए भी एक केव बनाई है प्रॉपर ग्रिजली के लिए, और यहाँ पे ट्री वगैरह लगाए हैं, और ये एक पीछे ग्रिजली बैर यहाँ पे सो रहा है। दो लेके आया था मैं, मतलब एक मेल एक फीमेल, और ये दो इनके ग्रिजली बैर्स हो गए हैं, और दोनों सेम साइज़ के हैं, ये ट्विंस हैं क्या? हाँ ट्विंस ग्रिजली बैर डिलीवर हुए हैं। वैसे इनका खाना रखा हुआ है, खाने में तो फिश वगैरह कुछ होगा ऐसा, और यहाँ पे इनके लिए पानी लगा हुआ है, और इसके लिए मैंने एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगाया और एक ट्रांसफार्मर इसका लगाया है मैंने बैकअप के लिए पीछे यहाँ पे, और एक वाटर फिल्ट्रेशन का लगाया है। और वैसे यहाँ पे दो ट्रांसफार्मर लगा दिए मैंने, एक ट्रांसफार्मर वहाँ पे है तो सही, एक ट्रांसफार्मर मैंने गलती से एक्स्ट्रा लगा दिया, इस वाले को तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तीन तीन ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं है। इसके मुझे $375 मिल गए रिफंड में। तो मैंने एंट्रेंस के पास भी कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे यहाँ पे एटीएम लगा दिया, और एटीएम तो सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़ है ही, पुराने जू में भी सबसे ज़्यादा एटीएम ही चलता था, जिस पे जो है हमेशा भीड़ लगी रहती थी। ये इन्फॉर्मेशन सेंटर है, ये तो मैंने पहले लगा ही रखा था, ये बर्नी बेक्स है यही पहले लगा रखा था। तो यहाँ पे ये गल्पी सोडा वाला लगा दिया है, और उसके अलावा एक चेंज ये किया है कि इनके पास भी मैंने यहाँ पे पानी का छोटा सा पौंड सा बना दिया, और यहाँ थोड़े से फ्लावर्स लगा दिए हैं, एक छोटा सा पौंड यहाँ पे है, और इधर यहाँ पे पानी का मैंने काफ़ी बड़ा बनाया है, और इसके आसपास ये मैंने पाम ट्री लगा दिए हैं। और ये एंटर करते ही लेफ्ट साइड पे तो शॉप्स आ जाती हैं, दो छोटे पॉन्ड टाइप के से हैं, और इधर एक बड़े वाला है, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और पानी का मैंने इसलिए बनाया है यहाँ पे इतना बड़ा क्योंकि ये डेजर्ट वाला एरिया है, यहाँ पे पानी का थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, और इससे जो अपने विजिटर्स हैं उनको भी ठीक लगेगा क्योंकि डेजर्ट वाले एरिया में पानी देखना काफ़ी अच्छी बात होती है। इधर मैंने फ्लावर्स वगैरह भी लगाए हैं, और अंदर इसमें एक दो पत्थर वगैरह लगाए हैं यहाँ, और अभी फाउंटेन ना अनलॉक नहीं हुआ है, जब फाउंटेन अनलॉक हो जाएगा तो मैं यहाँ फाउंटेन वगैरह लगाने की सोच रहा हूँ साइडों में, इसलिए मैंने जगह छोड़ दिया। दो शॉप मैंने यहाँ ओपन कर दी हैं, एक यहाँ पे कॉस्मिक काओ आइसक्रीम की है, और एक ये पिज़्ज़ा वाली शॉप है। पिज़्ज़ा वाली तो कम चल रही है, कॉस्मिक काओ वाली ज़्यादा चल रही है। पिज़्ज़ा वाली के पास लोग बाग ये आके वापस क्यों जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ गए वापस आए फिर वहाँ गए। तो ये यहाँ पे भालू देख रहे हैं खड़े होके पिज़्ज़ा वाली शॉप के सामने, ठीक है इन्हें देखने देते हैं। और यहाँ पे कोई कचरा वगैरह फेंक गया,
ये मैंने लगाया तो है डस्टबिन, डस्टबिन यहाँ पे लगा हुआ है, ये रहा एक, और एक डस्टबिन फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे और लगा देता हूँ, ये रहा एक डस्टबिन इधर की साइड लगा देता हूँ। अब डस्टबिन में फेंक देंगे कूड़ा, नीचे यहाँ पे जो है गंदगी कर देते हैं, वैसे थोड़ी बहुत गंदगी तो होती है, और अपने केयर टेकर साफ कर देंगे यहाँ पे। और अच्छा, मैंने स्टाफ भी और हायर कर लिया है, तो स्टाफ में अपने पास काफ़ी सारे एम्प्लॉई हैं, 3 वेट हैं, 4 कीपर हैं, 1 एजुकेटर है, 5 मैकेनिक हैं, 7 सिक्योरिटी गार्ड हैं, 6 केयर टेकर हैं और 14 वेंडर्स हैं। पहले जब पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था तब तो एक एक दो दो एम्प्लॉई थे बस, और मैंने कुछ को जो है रिसर्च पे भी लगा रखा है। उसके अलावा एक और यहाँ पे स्पेशल चीज़ आई है, वो है ये ऑस्ट्रिच। तो ये वाइट वाला ऑस्ट्रिच मुझे मिल गया था और काफ़ी सस्ते में मिला था, तो मैंने परचेज कर लिया, और इसकी चलने का तरीका ही कुछ अलग है। तो यह है तो कुछ अलग मज़े में है। और ये वाला तो जो है नॉर्मल ऑस्ट्रिच है, ये आराम कर रहा है, और ये वाइट वाला है, और वाइट वाले काफ़ी सारे एनिमल्स और भी आते हैं। वाइट वाले में लायन भी है, पीकॉक भी है, पीकॉक तो मेरे पास था पर पीकॉक में रख नहीं रहा, इस बार पीकॉक से जो है नुकसान होता है, काफ़ी ज़्यादा फाइन लगता है। और मुझे वैसे लायन मिल जाएगा वाइट में, जैबरा मिल जाएगा, बट वो अब देखने पड़ेंगे कितने मिलेंगे। अभी फिलहाल मैं यहाँ के लिए तो बंगाल टाइगर वगैरह कुछ देख लेता हूँ। वैसे कंजर्वेशन क्रेडिट काफ़ी कम है, कोई कैश में मिलेगा एनिमल तो ही ले सकते हैं। ये बफेलो मिल रही हैं, और बफेलो का एक मैंने हैबिटेट बना तो रखा था, उसमें बफेलो है नहीं, तो पहले ये 2 बफेलो परचेज करके ना इन बफेलोज को उस वाले हैबिटेट में भेजता हूँ। 2 परचेज तो की थी यहाँ पे, एक अच्छा ये आ गई दोनों यहाँ पे। तो ये हैबिटेट मैंने बनाया था बफेलोज के लिए, क्योंकि इसमें पानी चाहिए बफेलोज को, तो पानी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। उस चीज़ के लिए बुला लिया मैंने जो है कीपर को खाना डालने के लिए, इसके लिए तो डाल गया वॉर्थॉक के लिए, और यहाँ पे ज़ेब्रा के लिए भी डाल गया, और इधर फ्लैमिंगोज के लिए भी डाल गया। और फ्लैमिंगोज मैं 3 लेके आया था बाद में, एक पहले था, और अभी जो है यहाँ पे 6 हैं, तो 2 नए फ्लैमिंगोज भी हो चुके हैं। और ये छोटा फ्लैमिंगो है, एक तो ये है और एक शायद वहाँ पे है, और इनके खाने में पता नहीं क्या डाल के गया है, ये कुछ इनके लिए स्पेशल फूड होता हुआ अलग से। और वैसे ये वाला जो अपना केयर टेकर है ये लेके जा रहा है अभी बफेलोज को, तो बफेलोज का तो हो गया, उसके अलावा देखता हूँ। और ये अर्धवक मिल रहा है वाइट वाला, बट ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है, 6100 कंजर्वेशन क्रेडिट। इतने ज़्यादा कंजर्वेशन क्रेडिट करना तो बहुत बड़ी बात है, पॉसिबल ही नहीं है इतने इजीली, और इस एनिमल के लिए इतने देना कोई सेंस भी नहीं बनती, तो इसको छोड़ो। उसके अलावा नेक्स्ट में देख लेते हैं, नेक्स्ट में जो है कुछ और मिल जाए। अफ्रीकन सवाना एलिफेंट मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली कॉस्टली मिल रहे हैं, एक 580 कंजर्वेशन क्रेडिट का मिल रहा है, बट कंजर्वेशन क्रेडिट तो अभी सिर्फ 104 ही है मेरे पास। तो पहले मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ, और फ़िल्टर में खाली कैश वाले एनिमल्स ही सेलेक्ट करता हूँ जो कैश में मिल रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ कैश है, कैश में परचेज कर सकता हूँ। और हिप्पो मिल रहा है, और हिप्पो दोनों के दोनों फीमेल मिल रही हैं यहाँ पे, तो एक हिप्पो ले लेता हूँ, ये बेटर रहेगा। हिप्पो को एक हैबिटेट खाली पड़ा है, उसके अंदर भेज दूंगा। और ये मैंट्रिल वाला बंदर है, तो इसके लिए तो अलग से हैबिटेट बनाना पड़ेगा, और इसका हैबिटेट भी बनाऊंगा अभी, बंदर भी रखने हैं यहाँ पे। ग्रिजली बेयर्स मैं ले ही आया, टोर्टोइस है, टोर्टोइस नहीं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी नहीं लेना, और स्पॉटेड हाइना ले सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे जो है ये जापानीज मकैक क्या है, बंदरों के लिए तो मैं यहाँ पे अलग से एक एरिया बनाऊंगा, काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पे, तो एक साइड में अलग से रास्ता बना के वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे इधर के रास्ता बना के इधर का पूरा एरिया बंदरों के लिए बना दूंगा लाइन से, मतलब जिसमें चिंपैंजी होगा, ये जापानीज मकैक होगा, मैंड्रिल वगैरह सारे के सारे होंगे। अभी पहले मैं टाइगर सर्च कर लेता हूँ, टाइगर अगर कोई कैश में मिल जाए, वैसे तो नहीं मिलेगा, टाइगर तो कैश में नहीं मिल रहा, लायन देख लेता हूँ, लायन भी कैश में नहीं मिल रहा है। ये वाला एनिमल तो कैश में नहीं मिलेंगे जहाँ तक है, एलिफेंट शायद एक बार को मिल सकता है, बट वो भी देखना पड़ेगा, एलिफेंट भी नहीं मिल रहा। कैमल देख लूँ, कैमल मिल जाए, कैमल भी नहीं है मेरे पास यहाँ पे, कैमल भी नहीं मिल रहा कैश में, तो कंजर्वेशन क्रेडिट में मिल जाए कैमल तो सस्ता मिल सकता है। एक मिल रहा है 111 का, बट अभी 104 कंजर्वेशन क्रेडिट है, उसके अलावा तो काफ़ी ज़्यादा महंगे महंगे हैं। वैसे मेरे पास ना कुछ पीकॉक है, इन्हें मैं अगर बाहर भेज सकूँ, इसके लिए आ रहा है, इसको मैं रिलीज़ कर सकता हूँ वाइल्ड में, गए मेरे को 5 कंजर्वेशन क्रेडिट और मिल जाएंगे। ये गड़बड़ है शायद कुछ, मैं यहाँ से रिलीज़ कर रहा हूँ और इधर बढ़ी नहीं अपने कंजप्शन क्रेडिट उतने के उतने ही है। तो ये पिकॉक जो है मैंने दूसरे वाले जू से लिए थे, मतलब जो एक जू पहले फेल हो गया था उससे मैं इन पिकॉक्स को लेके आया था, तो इसलिए शायद जब मैंने मैं रिलीज़ कर रहा हूँ तो इस वाले जू में जो है क्रेडिट नहीं हो रहे, तो ये शायद उस वाले जू में क्रेडिट हो रहेंगे, बट वो वाला जू तो फेल हो चुका है और मैंने बंद भी कर दिया है, तो मतलब ये फालतू में मैंने रिलीज़ कर दिया, इससे बेटर तो अपने जू में ही रख लेता, बट जू में भी नहीं रखने थे पिकॉक। पिकॉक का तो मैं बाद में ही देखूंगा, पिकॉक का तो बाद में कोई हैबिटेट अच्छे से पूरा जू पीडिया में देख के और अपने जितने भी डॉक्टर्स हैं उनसे रिसर्च करवा के उसके बाद रखूंगा, क्योंकि वो बीमार नहीं होने चाहिए, और मैंने 3-4 बार रख लिए, हर बार बीमार आते हैं, हर बार फ़ाइन लगवा देते हैं, और $6,000-$7,000 का फ़ाइन लगता है, तो इसलिए अब की बार रखना ही नहीं है उन्हें। जब पहले अच्छा खासा बैलेंस हो जाएगा और अपने डॉक्टर प्रॉपर रिसर्च कर लेंगे तब रखूँगा। तो गेस्ट अभी वैसे 850 के आसपास हो गए हैं,
और यहाँ पे बैलेंस तो अभी 77,000 हो गया है। एक आध एनिमल नया मिल जाए तो मेरा एक हैबिटेट खाली पड़ा हुआ है, उसमें मैं जो है रख लूँ। कैमल भी नहीं मिल रहा, कैमल के लिए भी थोड़े कम मिल रहे हैं। और ये कंजर्वेशन क्रेडिट है, बढ़ क्यों नहीं रहे? एक मिल रहा है 106 में, तो दो कंजर्वेशन क्रेडिट से ही रह गया। तो कंजर्वेशन क्रेडिट तो अभी 104 है, 106 होने का वेट करना पड़ेगा। और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने जो हिप्पो लिया है ना, हिप्पो को इस वाले हैबिटेट में भेजता हूँ। ये हैबिटेट खाली पड़ा हुआ है एक, और हिप्पो के लिए देख भी लेते हैं कि हिप्पो के लिए क्या क्या चाहिए। वैसे हिप्पो के लिए पानी तो चाहिए होता है। हिप्पो को यहाँ भेज दिया, और अभी हिप्पो के लिए ज़ूपीडिया मैं ओपन कर लेता हूँ एक बार। ज़ूपीडिया में सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी मुझे। यहाँ पे मेरे को हिप्पो की डिटेल्स देखनी है, तो यहाँ पे हिप्पो का पेज मैंने ओपन कर लिया। और हिप्पो को हैबिटेट में चाहिए पानी चाहिए, और 1,004 मीटर स्क्वायर की इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतना तो हैबिटेट होना चाहिए। और अपना ये वाला हैबिटेट है, अभी मैं देख लेता हूँ इसमें एरिया कितना है। तो सिर्फ 544 मीटर स्क्वायर का है, तो ये एरिया थोड़ा छोटा है वैसे ना। वैसे मैं इस वाले में अगर बना दूं हिप्पो के लिए पानी, बट नहीं, इस वाले को मैं लायन या टाइगर के लिए रहने देता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल एंट्रेंस पे है। हिप्पो के लिए मैं एक और नया हैबिटेट लगा लेता हूँ यहाँ पे, या तो अभी तो जगह तो काफ़ी है, जगह की कोई कमी नहीं है, जगह तो अपने पास भरपूर है। हिप्पो का हैबिटेट मैं वैसे यहाँ पर लगा सकता हूँ या फिर इधर लगा सकता हूँ, इधर की साइड लगा लेता हूँ। जू को जो है सीधा आगे की तरफ लेके जाना है, आगे जो है काफ़ी लंबे तक जगह है, तो यहाँ पर बेटर रहेगा। और हैबिटेट जो है काफ़ी सारे नए भी आए हैं, उनमें से कोई देख लेता हूँ। एक बढ़िया सा हैबिटेट जो है बना बनाया लगा लेता हूँ हिप्पो के लिए। और हिप्पो के लिए मैंने ये वाला लगाया है, इसमें जो है फ़ायदा ये है कि मैं यहाँ पानी भर सकता हूँ, और इस ग्लास से जो है पानी में दिख सकता है, तो यहाँ पे जितने विजिटर्स हैं वो अपने हिप्पो को यहाँ पे देख सकते हैं। और हिप्पो ज़्यादातर टाइम वैसे पानी में ही रहता है, तो ये हैबिटेट तो मैंने यहाँ रेडी कर दिया है। अभी जो है एक तो इसका रास्ता कनेक्ट करना है, क्योंकि थोड़ा ऊँचे बना है, यहाँ पे ये नीचे में रहेगा क्योंकि इधर पानी आएगा। एक बार मैं पानी भर देता हूँ पहले इसके अंदर ना, पानी जो है इस लेवल तक कर लेता हूँ, इतना काफ़ी है, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको कम करते हैं, इतना रहने देते हैं। तो इतने पानी आ गया, हिप्पो जो है यहाँ पे पानी में काफ़ी ज़्यादा तैरता रहता है, तो इधर से जो है अपने गेस्ट हिप्पो को नॉर्मली भी देख सकते हैं ग्लास में से, और पानी में भी देख सकते हैं। और अगर मैं पानी ऊपर तक ही भर दूँ तो भी ग्लास से जो है दिखेगा हिप्पो जब पानी के अंदर होगा। अब इसका रास्ता जो है पहले कनेक्ट कर लूँ इधर से, तो ऊपर से है तो यहाँ से थोड़ा रास्ता घुमा के लेके आना पड़ेगा। तो जैसे मैंने ये रास्ता कनेक्ट कर दिया है, और ये रास्ता हो जाएगा अपने कीपर्स के लिए, हैबिटेट में जाके खाना वगैरह देना हो, या फिर डॉक्टर को जो है एनिमल को चेक करना हो, और हैबिटेट के क्लीनिंग वगैरह सब चीज़ के लिए ये रास्ता यूज़ होगा। और ये वाला रास्ता जो है ये खाली अपने स्टाफ्स के लिए है, तो ये मैंने अलग से लगाया है, इस पर जो है नॉर्मल कोई भी जा नहीं सकता। यहाँ पर जो है ये रास्ता अलग हो गया, तो ये स्टाफ ओनली रास्ता होता है, और ये वाला रास्ता नॉर्मल होता है। अब इस वाले नॉर्मल रास्ते को मैं आगे तक ले जाता हूँ, क्योंकि तभी तो अपने गेस्ट वहाँ पर जाके हिप्पो को देख पाएंगे। और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, उससे पहले मैं हिप्पो को यहाँ भेज देता हूँ, तो कीपर हिप्पो को यहाँ ले आएगा। और हिप्पो तो मैंने अच्छा दूसरे वाले हैबिटेट में भेज दिया ना, हाँ इस वाले में, ये वाला तो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। और ये हिप्पो ने क्या गंद मचा रखे हैं यहाँ, क्या पिचकारियाँ चला रहा है ये, इसको मूव करता हूँ उधर। ये वाला हैबिटेट तो छोटा है हिप्पो के लिए, वहाँ पर जो है प्रोटेस्ट वाले आप भी गए शायद, हिप्पो के हैबिटेट छोटा है इसलिए, मेरे को आवाज़ तो आई थी, एक बार देखता हूँ पास जाके। ये रे यहाँ पर खड़े तो हुए हैं, अब ये शायद हिप्पो के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, हिप्पो को भी यहाँ से लेके जा ही रहा है तो निकल जाएंगे। तो अभी विजिटर्स 1,000 से ज़्यादा हो गए, पहली बार इस वाले जू में 1,000 विजिटर्स हुए हैं, तो आज शायद बैलेंस 1,00,000 भी पहुँच ही जाएगा। 83,000 तो हो ही गया। मैं यहाँ पे पहले रास्ता बना दूँ विजिटर्स के लिए, ताकि विजिटर्स यहाँ पे भी आ सके। और रास्ता मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये वाला, ऐसे करके आगे तक लेके जाता हूँ, और आगे रास्ता जाके सीधा हो जाएगा ऐसे, तो इतना ही काफ़ी है। अभी यहाँ तक हैबिटेट है, तो यहीं तक गेस्ट आएंगे, और एक हैबिटेट मैं अब जो बनाऊंगा वो यहाँ बना सकता हूँ। अभी तो पहले यहाँ पे हिप्पो को आ देता हूँ, और हिप्पो के लिए मुझे यहाँ पे खाने का और पानी का भी लगाना है, तो यहाँ पे 3 हिप्पो तो आराम से रह सकते हैं। ये जो छोटी सी हट बनी हुई है ये 3 है, वैसे तो एक में 2 भी आ सकते हैं, 6 तो यहाँ रह लेंगे। और पानी का तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और ये हैबिटेट काफ़ी सही लग रहा है, और इसकी जो दीवारें हैं ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हिप्पो भी यहाँ पर आ ही गया, ये आ गया हिप्पो, अब इसके खाने का इंतज़ाम कर देता हूँ। और ये आते ही सीधा पानी में घुसेगा, मुझे पता था ये पानी में जाने वाला, सीधा भाग के पानी में गया, इसको पानी काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, तो ये पानी में आराम से जो है एंजॉय कर रहा है। इसके लिए मैं खाने के लिए लगाता हूँ, और खाने के लिए इसके यहाँ पे लगाता हूँ, ताकि जो है ये थोड़ा ऊँचाई पर रहे और गेस्ट वहाँ से जो है देख सकें इसे। पानी के लिए तो फिक्स है, पानी के लिए तो पाइप लगाना है, ये रहा पाइप। और खाने के लिए देख लेता हूँ, खाने के लिए हिप्पो के लिए शायद, तो ये वाला हिप्पो के लिए चल जाएगा, हाँ आ गया सूटेबल फूड है इसके अंदर। और एक यहाँ पे बाहर लगाया था मैं डोनेशन बॉक्स, क्योंकि डोनेशन बॉक्स भी ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे थोड़ा गड्ढा सा हो गया, बट ठीक है, ये गिलास से दिख रहा है नीचे पानी तो है, एक डोनेशन बॉक्स भी यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ये डोनेशन बॉक्स यहाँ लगा दिया, और एक डस्टबिन भी लगा दूँ,
क्योंकि जो है ये काफ़ी ज़्यादा कूड़ा फेंकते हैं इधर गेस्ट। एक यहाँ पे इधर डस्टबिन लगा देता हूँ और एक डस्टबिन यहाँ पे लगा दिया। एक बार देख लेता हूँ कि जो अपने विजिटर्स हैं वो इधर की साइड आ रहे हैं नहीं आ रहे। ये जा तो रहे हैं और इन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है, और ये डेजर्ट वाला एरिया है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो अभी भी जो है इन्हें गर्मी लग रही है और ये परेशान है यहाँ गर्मी से। तो एक काम करता हूँ, इधर भी कुछ सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह का एक लगा देता हूँ, यहाँ पे भी जो है सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह मिलेगी तो ठीक रहेगा गर्मी में सॉफ्ट ड्रिंक्स का, और अपनी थोड़ी सेल भी हो जाएगी। ये इधर सोडा वाली दुकान लगा देता हूँ, ये इस साइड जो है सोडा वाली दुकान ठीक रहेगी। अबे लगाते ही कहाँ भाग रहा है, ये तो भाग गया सीधा यहाँ से, पावर नहीं है। अच्छा यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर भी लगाना ही पड़ेगा, इधर की साइड एक ट्रांसफार्मर प्लेस कर देता हूँ। ये लगा दिया यहाँ पे ट्रांसफार्मर, और अब तो आ जा, कहाँ भाग गया, अबे जा ही रहा है, आ ही नहीं रहा। चलो मेरे को ये अभी कुछ हायर भी करने हैं वेंडर ना, तो एक दो वेंडर और हायर कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ वेंडर जब रेस्ट पे चले जाते हैं तो शॉप को बंद करके चले जाते हैं, दूसरा वेंडर होगा तो वहाँ पे जो है काम कर लेगा। ये दूसरा वेंडर मैंने हायर कर लिया है यहाँ पे, और अभी कंजम्पशन क्रेडिट मैं देख लूँ कितने हो गए। वैसे तो रात हो गई है और इधर वाले हैबिटेट तो सारे के सारे भरे हुए हैं, बस एक ये वाला हैबिटेट खाली है और एक वहाँ पे छोटे वाला हैबिटेट खाली है। 104 यहाँ भी कंजम्पशन क्रेडिट बढ़ ही नहीं रहे। अब शायद कैमल का देख लूँ, सस्ते में मिल रहा होगा तो ले लूँगा एक बार। एक मिल रहा है 99 में, हाँ मिल गया ये रहा, इसको अडॉप्ट कर लिया फटाफट से। और ये फीमेल है, इसके अलावा तो और कोई नहीं मिल रही, एक ही मिल रहा था। और एक तो ये पहले वाले 106 कंजम्पशन क्रेडिट का मिल रहा था, 106 तो हुए ही नहीं थे, 99 में मिल गया। और जो 106 वाला था वही फीमेल थी, ये भी फीमेल है, बट वो उसकी उम्र कम थी, वो 12.2 ईयर्स की थी, ये 15 ईयर्स की है। तो कोई बात नहीं, ये बैलेंस कम है तो एडजस्टमेंट थोड़ी करनी पड़ेगी। और अभी तो वैसे रात हो गई है, कैमल के लिए एक हैबिटेट लगाना है मुझे, इधर की साइड एक हैबिटेट लगाता हूँ कैमल के लिए। तो यहाँ मैंने कैमल के लिए एक नया हैबिटेट बना दिया है, और उस हैबिटेट में मैंने यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रिक फेंसिस लगाई हैं, और ज़्यादा ऊंची करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी काफ़ी है, क्योंकि कैमल जो है इनसे बाहर नहीं निकल पाएगा, इनमें जो है इलेक्ट्रिक करंट होता है और कैमल वैसे ट्राई करता भी नहीं है बाहर निकलने का। और यहाँ पर मैंने जो है ये पाम का ट्री लगा दिया है, इधर पानी का छोटा सा पोंड बना दिया है कैमल के लिए, और ये यहाँ पर इसके लिए एक केव टाइप की सी बना दिया है, और ये काफ़ी बढ़िया है, इसमें 3 या 4 कैमल तो आ ही जाएंगे आराम से। इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा रखी है, यहाँ पे 2 ट्री हैं, और ये इधर मैंने 2 ट्री यहाँ पे लगा दी हैं, इधर ये जो है पाम की ट्री लगाए हैं, और ये वाले अलग पाम की ट्री हैं, ये वाला जो है अलग है। और वैसे जो है यहाँ पे घास वगैरह मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैमल को घास वगैरह नहीं चाहिए होती, कैमल को जो है सिर्फ ज़्यादातर सैंडी चाहिए होता है। जैसे मैं यहाँ पर कैमल के लिए देखूँ कि इसको कैसी टेरेन चाहिए, तो ग्रास वगैरह का तो इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 0.0% ही है, सॉइल 1%, और रॉक थोड़े से चाहिए, वो रॉक वाला मैंने जो है यहाँ पर लगा दिया है। और सैंड का चाहिए मेनली, सैंड का तो 100% है तो भी चलेगा, 81% मैंने सैंड का कर रखा है तो ये तो ठीक है। वैसे अभी एक ही कैमल है, और उसके अलावा वैसे अपना बैलेंस भी $1,00,000 से ऊपर हो चुका है, तो अपना ये वाला जू जो है पहली बार $1,00,000 से ऊपर गया है, और ये जू जो है काफ़ी जल्दी ग्रो कर रहा है एज़ कम्पेयर टू अपने पिछले वाले जू से। क्योंकि पिछले वाले जू में दिक्कत ये थी कि उसका एरिया जो है काफ़ी ऊँचा नीचा है, तो वहाँ पर हैबिटेट इतने बड़े बड़े बन नहीं पा रहे थे और इतने सही भी नहीं बन पा रहे थे, और इस वाले जू में काफ़ी सारा एरिया है, और ज़्यादातर सारा एरिया मतलब वैसे 100% एरिया ही प्लेन है, क्योंकि यहाँ तक ही अपनी बाउंड्री है जितना ये प्लेन एरिया दिख रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी सही सही हैबिटेट बन सकते हैं और काफ़ी सारे बन सकते हैं, जिससे कि जू जो है काफ़ी जल्दी जल्दी ग्रो होगा। तो अब जो है इसके बाद मेन बड़े बड़े हैबिटेट बनाने हैं, मतलब एलिफेंट के लिए बनाना है, स्नो लेपर्ड, बंगाल टाइगर, साइबेरियन टाइगर, उसके अलावा चीता भी है, और यहाँ पे काफ़ी सारे और एनिमल भी हैं जो उस वाले जू में नहीं थे, वो यहाँ की मार्केट में मिलते हैं, तो उनके लिए भी जो है बड़े बड़े हैबिटेट बनाने हैं। और इस बार मैं हैबिटेट काफ़ी सही बनाने वाला हूँ, तो उनमें थोड़ा ज़्यादा खर्चा भी आएगा, बट वो जो है काफ़ी सही बनेंगे, और उससे जो है अपना जू थोड़ा तेज़ी से ग्रो भी करेगा, और मैं टिकट्स का प्राइस भी जो है बढ़ा पाऊँगा। अभी तो मैंने $10 कर रखा है, बाद में मैं टिकट्स का प्राइस भी बढ़ा दूंगा। तो अभी जो है कुछ टाइम वेट करते हैं, थोड़ा बैलेंस बढ़ने देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि जैसी और कंजेशन क्रेडिट हो जाए तो कुछ अच्छे अच्छे एनिमल मैं लाना शुरू कर दूँ और उनके लिए जो है हैबिटेट बनाना शुरू कर दूँ। बाकी आज के लिए फिर इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।